हम कहते हैं जो अगर इसकी आप डेफिनेशन भी देखो तो फर्स्ट टू लाइन है कि हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सैड टू बी सिमेट्रिकल इफ द फ्रीक्वेंसी इक्विटेज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वैल्यू आर इक्वल एज इन द कॉलम ये हमारे पास जो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है क्यों देखो स्टूडेंट हम कहते हैं एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू वन होता है ठीक है बाकी वो कह रहे हैं कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है दे आर डिवाइडिंग इनटू द टू पार्ट्स है जो कि फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू है तो यही हमें डेफिनेशन में भी बता रहे हैं तो दैट वैल्यूज इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम यही अब, अब बार बार कह रहे हैं कि आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी सिमेट्रिकल इक्वल इफ द इक्वी फ्रीक्वेंसी इक्विड फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम आर इक्वल As in the या आप में देखो कि आपके पास ये जो वैल्यूज है इक्वल है, है आपके पास सेंट्रल इज द हाईस्ट फ्रिक्वेंसीज होती है बाकी आपके पास इक्वल आ रही होती हैं अगर आप वैल्यूज को इनको जज करोगे मॉडरेटली स्क्यूड एसमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या होता है देखो हम कहते हैं मॉडरेटली डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड या एसमेट्रिकल सेम ही है अब हम इसे क्या कहते हैं व्हेन द फ्रीक्वेंसी टेंड टू पाइल वन एंड और द अदर एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपकी वैल्यूज एक ही साइड पे पाइल्ड अप हो जाती है जमा हो जाती हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है सिमेट्री से दूरी हो जाती है. फ्रॉम सिमिट्री हो जाती है दैट डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड स्क्यू डिस्ट्रीब्यूश्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम इसे कहते हैं अगर तो आपकी आप हो

चुका होगा वो नेगेटिव साइड पे ज्यादा होगा तो दैट इज कॉल्ड द नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह हमारे पास आ जाता है कि एक्सट्रीमली स्क्यूड और जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन क्या जब आपकी वैल्यूज जमा हो जाती हैं एंड दे आर मेकिंग द शेप ऑफ द जे दैट इज कॉल्ड द जे डिस्ट्रीब्यूशन अब आप यहाँ देख लो कि आपके पास ये इनकम गिवन थी और आपने नंबर ऑफ पर्सन जो है अप्लाई किया इनकम के साथ नंबर ऑफ पर्सन जब आप ड्रॉ करोगे तो आप देखना कि आपकी distribution की आपकी डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप की बनेगी अब देखिए ये जो वैल्यूज है ये किस शेप में आ गई गए जे शेप में दे आर आस्किंग द जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन अगर ये इनवर्स है तो हम इसको कहते हैं रिवर्स Distribution कहते हैं अगर ये के opposite है, आपके पास क्या होती है कि आप कहते हो इन सच डिस्ट्रीब्यूशन द मैक्सिमम एंड्स एंड द मिनिमम टुवर्ड्स द सेंटर अब देखो यहां मिनिमम हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ गई एंड बोथ साइड पे वी हैव द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज तो ये एक यू शेप बनाता है जिसे हम कहते हैं यू शेप डिस्ट्रीब्यूशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे हम कहते हैं मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसमें मेन चीज जो आपने याद रखनी है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद मोर देन वन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड द मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन जब हमारे पास मोर देन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं तो उसको हम कहते हैं मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन अब यहाँ आप देख लें इस डिस्ट्रीब्यूशन में मोर देन जो है लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसीज आई है वन से जिसको हम कहते हैं बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा ये तो हमारे पास स्टूडेंट हो गया अः इनशाला नेक्स्ट जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो हमारे पास होगा अबाउट द डायग्राम आई होप आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी अगर आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो हम उससे डिस्कस कर सकते हो तब तक के लिए हाफिज